दोस्तों आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग के लिए मैं कल साइंस वन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 लेसन का दिया था, क्योंकि वो PYQ के बेस पर एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था। बट आज मैं आप लोग को यहां पे चल रहा हूं देने साइंस 2 का क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 लेसन का। अगर इसको कर लेते हो तो आप लोग का यूनिट टेस्ट जहां पर भी आप लोग हो, अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अगर पढ़ रहे हो तो इतना 90% याद रखना कि अगर जितना क्वेश्चन दे रहा हूं अगर पूरा लर्न करके गए ना तो आप लोग इजिली पूरा आउट ऑफ भी ला सकते हो मेरे भाई। क्यों ला सकते हो? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। एंड यहां पर स्टार्ट करता हूं पहला लेसन पे, चलते हैं और अपना टेक्स्ट बुक खोल लेना और जो जो क्वेश्चन बताऊंगा जस्ट उसको टिक मार्क कर लेना। पहला लेसन यहां पर हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन चैप्टर में से क्या क्या करना है, जस्ट यहां पर जो जो बताऊंगा उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। यहां पर से एक हेरिडिटी का डिफिनेशन याद करके कर लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है तो है मेरे भाई। और ये लाइन आप लोग को यहां पर कवर करना चाहिए फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, याद रखना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पे 3 डिफिनेशन दिया गया, तीनों डिफिनेशन को आप लोग अच्छी तरीके से लर्न बाय हार्ट कर लो। एंड उसके नीचे आओगे यहाँ पर एक सेंट्रल डोगमा का डिफिनेशन दिया गया, इसको भी आप लोग को करना है। ये हो गया 3, 4 हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर ट्रिपलेट कोडान करके दिया गया छोटा सा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को क्या करना है, लर्न करना है। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 एमिनो का रिसर्च किए थे और इनको 1968 में नोबल प्राइज मिला था, वो भी अदर 2 साइंटिस्ट के साथ में। देखो मेरे भाई जो भी पढ़ना है ना बस वही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इतना ही आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा। एंड उसके नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर है म्यूटेशन का जस्ट डिफिनेशन है, तो म्यूटेशन का डिफिनेशन आप लोग को यहाँ पे करना रहेगा। एंड उसके सिकल सेल एनेमिया उसका डिसऑर्डर है मेरे भाई, सिकल सेल एनेमिया म्यूटेशन के डिसऑर्डर सिकल सेल एनेमिया, उसको जस्ट आप लोग को लर्न बाय हार्ट करना है एग्जाम्पल में। इवोल्यूशन का सिर्फ आप लोग को क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है, जस्ट एक लाइन याद कर लेना, आप लोग का काम हो जाएगा। एंड उसके आगे और आ जाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पर जो जो बताऊँगा मेरे भाई अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इतना बड़ा बड़ा दिया क्या करूँ, एविडेंसेस आ द इवोल्यूशन, तो उसे क्या करना है आप लोग के सबके टाइप्स याद करना है एंड सबके एग्जाम्पल याद करना है। सबके टाइप्स सबके एग्जाम्पल कौन से वो अच्छी तरीके से याद कर लिए मेरे भाई, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सबके टाइप्स सबके एग्जाम्पल और वेस्टिजल ऑर्गन के शॉर्ट नोट याद करना, वेस्टिजल ऑर्गन के शॉर्ट नोट याद करना है, और ये भी थोड़े से बड़े में 3 से 4 लाइन में याद कर लेना, शॉर्ट नोट वेस्टिजल ऑर्गन का शॉर्ट नोट याद करना है एंड इसके एग्जाम्पल। अब उसके बाद आता है यहाँ पर एक दिया गया है फोसिल का डिफिनेशन, जस्ट इसको मैं आप लोग को यहाँ पे टिक मार्क दे रहा हूँ, ये सब करके जाना मेरे भाई, नहीं तो बाद में आओगे जब पेपर देके ना तब होगा कि सर बताए थे बट मैं किया नहीं था, तो ना प्रॉब्लम है, इसके लिए पहले से आप लोग लर्न बाय हार्ट कर लो। एंड उसके आगे अपने चलते हैं और आगे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कार्बन डेटिंग मैथड, जस्ट इसको आप लोग को छोटा सा शॉर्ट नोट के थ्रू आप लोग को लर्न बाय हार्ट करना रहेगा, शॉर्ट नोट के थ्रू आप लोग को लर्न करना। एंड उसके आगे आ जाओगे वेरी 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 IMP शॉर्ट नोट है याद रखना, कनेक्टिंग लिंक, वेरी 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 IMP कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट और प्लस एग्जांपल। एंड उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं, डार्विन थ्योरी के आप लोग को क्या करना है, नेचुरल सिलेक्शन एंड इसके ऑब्जेक्शंस लर्न बाय हार्ट करना, और इनके बुक का नाम क्या था यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ द स्पेसिस, इसको याद करना है। एंड यहाँ पे 3 ऑब्जेक्शन दिए, 3 ऑब्जेक्शन लर्न बाय हार्ट करना है। एंड उसके बाद आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आ जाओ नीचे, यहाँ पर एक लाइन आप लोग जस्ट इसको कवर कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके लिए इसको लर्न करके रख लेना मेरे भाई। एंड यहाँ होमो सैपियंस करके एक दिया गया, इसको अच्छी तरीके से पॉइंट को कवर कर लेना, इस तरीके से ये भी लेसन आप लोग क्लियर हो जाता है। इसमें से क्या करोगे, पहला अच्छी तरीके से करके रखोगे एंड इसमें से देखो ये वाला करके रखो, और वेस्टिजल ऑर्गन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, और इसमें से देखो ए वाले में से आप लोगों को जितना मैं क्वेश्चन दिया मेरे भाई वही चीज़ यहाँ पर सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इजिली कवर कर सकते हो मेरे भाई, इसको थोड़ा सा कवर कर लेना है सब, बट जितना मैं अंदर से दिया उसको अच्छी तरीके से कर लिए तो भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिया हूँ, ये आप लोग को पूरा पूरा कवर करना चाहिए मेरे भाई, जितना मैं दिया ये शॉर्ट नोट है, इजिली आप लोग को कवर हो जाएगा। वेरी वेरी IMP ये है
कनेक्टिंग लिंक, एंड उसके आगे आ जाओ दूसरे लेसन में, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन। जस्ट इसके अंदर से कौन सा करना चाहिए, यहाँ पे देखोगे मेरे भाई, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया छोटा सा, शॉर्ट नोट क्या मेरे भाई, ये फिलिंग द ब्लैंक्स, 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलता है, इसको आप लोग को याद रहना चाहिए। एंड उसके आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक दिया गया, देखो मेरे भाई, ग्लाइकोसिस के टाइप्स, जस्ट ग्लाइकोसिस के बारे में थोड़ा सा आप लोग को आना चाहिए। एंड यहाँ पर आप लोग को ये डायग्राम आना चाहिए, एंड ETC रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर चैन रिएक्शन जस्ट आप लोग को आना चाहिए। या देखो NADH2 के अंदर 3 मॉलिक्यूलर्स रहते हैं, या फिर DH2 के अंदर 2 मॉलिक्यूलर्स रहते हैं मेरे भाई, समझ के रख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर और आगे आना है, ATP का फुल फॉर्म, NADH2 का फुल फॉर्म, या फिर DH2 का फुल फॉर्म जस्ट आप लोग को आने चाहिए। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को क्या क्या करना है उसको ध्यान से देखते रहना, बाद में हो ना कि भैया कि ये समझा नहीं सर, तो समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड उसके आगे और आ जाओगे तो यहाँ पर क्या करना है उसको देखो ध्यान से। एक आप लोग को क्वेश्चन इस पेपर में आने वाला है कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई एक्सरसाइज बाय द वे करते हो तो आप लोग को थकान फील होता है, टायर्ड फील होता है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को समझ के रखना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट से साइंटिफिक रीजन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाता है मेरे भाई, उसको समझ के रख लेना। एंड उसके आगे हम लोग चलते हैं और आगे, यहाँ पर 2 स्टेप फर्मेंटेशन दिया गया है, यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर द 2 स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन, याद रखना यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है, ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन 2 स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन, जस्ट इसको आप लोगों को समझ के ले लेना मेरे भाई। एंड उसके आगे आ जाओगे तो यहाँ पर ए वाला जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, से बॉक्सेस है, इसको याद कर लेना, 90% इसके अंदर से कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछा जाएगा, उसको याद करके रख लेना। एंड उसके आगे आ जाओगे और तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, एक 9 किलो कैलोरी दिया गया, इसको अच्छी तरीके से, और लिपिड्स का डिफिनेशन जस्ट आप लोग को याद करना, कौन इतना बताएगा मेरे भाई आप लोग को, इसके लिए बोल रहा हूँ चैनल को मेरे फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 50K के हम लोग बहुत नियर बाई आ चुके हैं। एंड उसके आगे और आ जाओगे तो मेरे भाई क्या करना है ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि ADE फैट सोल्यूबल होता है, एंड BC जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है, यहाँ पर जो विटामिन रहे राइबोफ्लोविन दिया गया, विटामिन B2 आता है, एंड यहाँ पर निकोटिनामाइड दिया गया, वो विटामिन B5 आता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। इसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं, और क्या करना चाहिए, सेल डिवीजन वाले में से आप लोग को वहाँ से एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन जस्ट वहाँ से दे दूँगा। एंड माइटोसिस और मियोसिस का देखो, माइटोसिस और मियोसिस के टाइप्स याद रखना, टाइप्स एंड एग्जाम्पल, टाइप्स और एग्जाम्पल, और इनके माइटोसिस और मियोसिस का दोनों का क्या करना, डिफरेंट बिटवीन याद करना, डिफरेंट बिटवीन भी याद कर लेना, याद रखना टाइप्स एग्जाम्पल एंड उसके पूरे पूरे क्या करना आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन, दो दो तीन तीन पॉइंट याद करना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हम लोग को करना क्या चाहिए देखो मेरे भाई, एक्सरसाइज में आगे, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन पाँचवा, एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ से दूसरा पूरा करना है। देखो अगर आप लोग सोच रहे हो सिर्फ मैं एक्सरसाइज से ही करके पूरा कर लूँगा, तो ये भैया पॉसिबल नहीं है साइंस में, इसके लिए आप लोग को जो बता रहा हूँ उसको भी ये तीनों करना है मेरे भाई। एंड इसमें से देखो ये सब तो इम्पोर्टेंस है मेरे भाई, बट इसमें से सेल डिवीजन ये एंड ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंस हैं, तो हैं मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंस हैं ये तीनों, तो ये तीनों को अच्छी तरीके से आपको लर्न बाय हार्ट करके जाना, अगर करना रहेगा तो चारों पांचों कर लेना, बट इसमें से ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला वेरी 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 IMP क्वेश्चंस हैं। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ग्लाइकोसिस इन डिटेल में कर सकते हैं मेरे भाई, एंड यहाँ से आप लोग को ये क्रब साइकिल वाला कर लो, बस आप लोग का ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से सेकेंड वाला भी लेसन हो जाता है पूरा आपको लर्न। एंड यहाँ पर चलते हैं अपने थर्ड लेसन पे, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। उसके बाद आप लोग को क्या करना है ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, अच्छी तरीके से लर्न कर लो। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को क्या चीज़ दिया गया, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप लोग को सिंपल सा क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है, जस्ट मैं डिफिनेशन को टिक मार कर दे रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर और ऐसा सेम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिया गया, दोनों के टाइप्स याद करना है। देखो
टाइप्स एंड एग्जाम्पल, मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना याद करना, टाइप्स और एग्जाम्पल जस्ट मैं बोल रहा हूँ दोनों का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का और इसका। देखो फर्मेंटेशन है, रीजनरेशन है, क्या चीज़ होता है बस उसको, उसके बारे में समझना है कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर और आगे आ जाओगे तो क्या करना है, यहाँ पर देखना ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई, नहीं तो बाद में होगा कि अभी समझा नहीं मेरे को। तो मेरे भाई इसको अच्छी तरीके से करके रखना और ये डायग्राम इसको थोड़ा सा समझ के लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। एंड उसके आगे आ जाते हैं अपने क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक पॉलिनेशन का डिफिनेशन दिया गया उसको आप लोग को कवर करना चाहिए एक लाइन, एंड यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन जो दिया गया उसको आप लोग को थोड़ा सा सैंडविच रीजन, ए डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है। एंड उसके आगे आ जाते हैं अपने यहाँ पर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग से दिया गया, ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा बट ए डायग्राम देखो मेरे भाई, डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं, डायग्राम के नेमिंग क्रेचर करने के लिए आ सकते हैं दोनों मेल और फीमेल दोनों, इसके लिए दोनों डायग्राम आप लोग को जस्ट आना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग को और आना नीचे, यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो कहाँ गया मेरे भाई कहाँ गया, हाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो दिया गया इसको आप लोग को अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट याद करना मेरे भाई, शॉर्ट नोट याद कर लेना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। एंड उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप लोग को दो से तीन चीज़ दिया गया है, IVF सर्वगेसी और एक जस्ट नीचे दिया गया स्पर्म बैंक, ये तीनों को आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट नोट याद करना है, याद रखना बाद में मत बोलना कि बताए नहीं थे। और ट्विंग्स के टाइप से जस्ट याद करना, मोनोड जायकोटिक और एक डायोजायकोटिक यहाँ पे जस्ट दिया गया है, इसको भी लर्न बाय हार्ट करना आप लोग को। एंड उसके बाद आ जाता है हम लोग और आगे, तो यहाँ पर से वेरी 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 IMP क्वेश्चन हो सकता है, बाय द वे ये तुमको एग्जाम में कोई भी ना लिख के दे, डायरेक्ट क्या पूछ ले, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट बिटवीन लिखो, तो आप लोगों को लर्न बाय हार्ट रहेगा तो ही कर सकते हो। इसके लिए इसका चार चार पॉइंट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला आप लोगों को एग्जाम के लिए। एंड यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन ये करना है, एंड यहाँ पर से आप लोगों को एक दो और एक आप लोगों को तीसरा, तीनों डायग्राम आप लोगों को जस्ट आना चाहिए नेमिंग क्रेचर करने के लिए आना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरीके से करना है, एंड उसके नीचे आओगे ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 वाला पूरा शॉर्ट नोट के तरीके से दिया गया पूरा आना चाहिए आप लोग को आई टोटल। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग को कौन सा करना चाहिए, ए वाला एंड एक ए और जेंडर वाला अच्छी तरीके से मेरे भाई कर लो, बहुत इंपॉर्टेंस है ये, इतना जो मैं गोला कर रहा हूँ वेरी 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 IMP क्वेश्चन है। इस तरीके से 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ मेरे भाई, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट आए चैनल को मेरे भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम लोग 50K के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करोगे तो आज ही हो सकता है मेरे भाई, फटाफट करो सब्सक्राइब।